पहले पीओके पर भारतीय सेना की हुंकार और अब 26/11 पर खुला ऐलान। 26/11 मामले में संलिप्त लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है मोदी सरकार। पहली बार दुनिया को एस जयशंकर ने दे डाला सीधा संदेश। 14 साल बाद आखिर क्या करने जा रही है मोदी शाह जयशंकर की तिकड़ी। 14 साल बाद आखिर क्या करने जा रही है मोदी शाह जयशंकर की तिकड़ी। पाकिस्तान में क्या है डोभाल का खतरनाक खुफिया मिशन। क्या 14 साल बाद इसराइल के मोसाद मॉडल पर चलने जा रही है मोदी सरकार। 14 साल पहले कांग्रेस की सरकार में जब 26/11 हमला हुआ तब सरकार ने शहरों में लगातार कई दिनों तक अनाउंसमेंट करवाया कि अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो आप पुलिस को सूचित करें। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ऐसी आवाज कहीं सुनाई देती है क्या? हाँ या ना में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादातर लोगों ने ऐसी आवाज नहीं सुनी होगी। तो क्या मोदी सरकार के कौन से ब्रह्मास्त्र के आगे आतंकियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है? जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर मिशन क्लीन स्वीप जारी है। जरा सी हलचल पर अब आतंकियों को ऊपर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर खुले में ललकार दिया है और कहा है कि भारत अब आतंक को खत्म करके ही रहेगा। उन्होंने कहा है कि आज से 14 साल पहले भारत को जो जख्म पाकिस्तान ने दिया उसे हम कभी नहीं भूल सकते। 2018 में मुंबई हमलों के गुनाहगारों को असली अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। जयशंकर की इस ललकार से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है क्योंकि हाल ही में भारतीय सेना की ओर से पीओके मसले पर दिए गए बयान की बौखलाहट अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब 26/11 हमले को लेकर इजराइल के मोसाद मॉडल की धमकी मिल गई है। किसी ने यह सोचा तक नहीं होगा कि मोदी कश्मीर में ऐसी रणनीति बनाएंगे और आतंक का सफाया करेंगे। अब पाकिस्तान के हलक से कश्मीर छीन लेने की आंधी चल पड़ी है। भारतीय सेना तो बाकायदा इसका ऐलान भी कर चुकी है और पीएम मोदी के एक इशारे का इंतजार है। ये यूं ही नहीं हुआ है, इसके पीछे था डोभाल का सुपर टॉप माइंड जिसके चलते अब पाकिस्तान उसी तालिबान से लड़ रहा है जिसे कभी भारत के खिलाफ बड़ा हथियार समझता था। उसी तरह चीन से भी पीटा जा रहा है और पीओके के लोग मोदी सरकार और भारतीय सेना का साथ देने के लिए तैयार हैं। यानी कि अब 26/11 जैसे और पुलवामा जैसे हमलों का जवाब देने के लिए डोभाल की रणनीति कारगर साबित होगी। जैसे कि इजराइल मोसाद मॉडल के तहत दुश्मनों का सफाया करके उनके घर में घुस कर मारता है और मोदी सरकार भी ठीक उसी नक्शे कदम पर चल रही है। मोदी सरकार के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक उसी मोसाद मॉडल का ट्रेलर थे। अब तो स्थिति ऐसी है कि अपराध को सोएंगे तो पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत होगी लेकिन सुबह उठने पर पीओके में भारतीय तिरंगा लहरा रहा होगा। इसका आगाज हो गया है। इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रात दिन रात लगी हुई है। अब दुनिया के सामने एस जयशंकर ने तो 26/11 और आतंकवाद पर बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। सेना के उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी का बयान भी वही साबित करता है कि सेना कभी भी पीओके में कार्रवाई शुरू कर सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत पाकिस्तान में छुपे बैठे आतंक के अकाओं को खत्म कर पाएगा और पीएम मोदी के हनुमान एस जयशंकर की विदेश नीति किस प्रकार से काम कर रही है और क्या पाकिस्तान से पीओके छीनने में और आतंक को खत्म करने में कारगर साबित होगी? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।